इंडियन टेक्नोमैक कंपनी लिमिटेड की बोली 18 जनवरी को लगेगी। पार्टी ने 8 साल बीत जाने के बाद भी कुछ जमा नहीं करवाया। आबकारी एवं कर विभाग साउथ जोन परमाणु फ्लाइंग स्क्वाड के संयुक्त आयुक्त जीडी ठाकुर और उनकी टीम ने पांवटा साहिब के एक उद्योग टेक्नोमैक कंपनी लिमिटेड पर छापेमारी कर उसे प्रदेश के इतिहास का 2175 करोड़ रुपये का सबसे बड़ा जुर्माना किया था। पत्रकार वार्ता के दौरान फ्लाइंग स्क्वाड परमाणु जोन के संयुक्त आयुक्त जीडी ठाकुर बताते हैं कि इस कंपनी की उद्योग के बाहर कुछ बेनामी जमीनें हैं। उस संपत्ति को 120 करोड़ के करीब वैल्यू है, जिसका सीआईडी द्वारा कोर्ट में एफिडेविट दिया गया है। जीडी ठाकुर ने क्या कुछ बताया वो आप सुनिए। ये स्टेट गवर्नमेंट ने एक इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट बनाया था 2013 में। वो इसलिए बनाया गया था कि जो बड़े बड़े टैक्स इवेडर्स होते हैं उनके ऊपर नजर रखने के लिए बनाया गया था। तो मेरी वहाँ उससे प्रमोशन हुई थी, ETSO में ATC बना था, तो मुझे इसका इंचार्ज लगाया गया था इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट शिमला में। तो ये सबसे बड़ा पहला मामला था हमारा जो बड़े लेवल का था, क्योंकि इसको ऑनलाइन पकड़ा था हमने, कंप्यूटर से पकड़ा था। जब इसका ऑनलाइन डेटा मैंने पूरी स्टेट का चेक किया तो सबसे बड़ी कंपनी का टर्नओवर इनका था, इस कंपनी का था। फिर फर्दर जब मैंने इनका आगे टैक्स चेक किया तो टैक्स इनका बिल्कुल बहुत कम था और भी काफ़ी इसमें इरेगुलरिटी थी। फिर हमने इसका केस बनाया, एक प्रॉपर केस बनाया और गवर्नमेंट को भेजा। तो गवर्नमेंट से उस वक्त इसमें गवर्नमेंट ने हमें बोला कि आप इसमें आगे फर्दर डिटेल जांच करो। अगर डिटेल जांच जब हमने की, इसकी टोटल सेल परचेज की जितनी हमने जांच की, तो सारी जो परचेज थी उनकी वो भी फर्म में मतलब पाई नहीं गई। जहाँ सेल कर रखी थी सी फॉर्म थे, फॉर्म थे, वो भी फर्जी पाए गए। तो उसके बाद इसकी फिर डिटेल एक पूरी कमेटी बनी, टीम बनी, जो टीम का मैं इंचार्ज था उसमें। तो हमने इसको फिर प्रॉपर एडजुडिकेशन करके इनको 2175 करोड़ रुपये लगा। और इसके अलर्ट नोटिस है, इसके बाकी लोगों को भी भेजे गए, बाकी डिपार्टमेंट को भेजे गए। बिजली बोर्ड है, लेबर है, PF है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्साइज है, सर्विस टैक्स वाले थे, इनकम टैक्स थे, उनको भी सबको हमने अलर्ट किया इसके लिए। तो उन लोगों के भी इसमें काफ़ी बड़े मतलब फ्रॉड्स पाए गए और सब मिला करके अभी वो 6,000 करोड़ तक इसका जो ड्यूज वो बढ़ रहे हैं सभी डिपार्टमेंट्स के। इसमें हिमाचल बिजली बोर्ड के भी इसमें फर्जी कुछ इनके होते ड्राफ्ट थे, 800 करोड़ के उनके बिजली के जो किराए, बिजली का जो रेंट महीने का जो बिल होता है उसके उन्हें फेक वो दे रखे थे। तो हिमाचल में एक्साइज डिपार्टमेंट के बाद बिजली बोर्ड का सबसे ज़्यादा इसमें किराया था, उसके बाद PF का है कुछ, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्साइज के हैं, इनकम टैक्स के हैं। इन विभागों ने कभी इनको इतना इतना बड़ा बैलेंस खड़ा हो गया तो उनको पता नहीं लगा। उनको पता, सबसे पहले हमने जब मैंने इस केस को पकड़ा तो हमने सारे विभागों से इसका डाटा लिया, सारी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन की, तो उनके उनमें काफ़ी कमियाँ आई, उनको बताया, उनके उनके नॉलेज में लाया गया कि आपका भी ये कमियाँ हैं। फिर उन्होंने चेक किया उसको आगे जा करके, फिर पाया गया, फिर सबने क्लेम फाइल किया कि हमारा इतना कोई बात हमारा 700 करोड़ है, कोई बात हमारा 900 करोड़ है, बिजली बोर्ड वाले बोलते हमारा 10 करोड़ है। जैसे 2175 करोड़ रुपये का बहुत होता है अमाउंट, इसमें से एक भी नया पैसा जमा नहीं कराया इस पार्टी ने। जैसे ही इसको हमने इसकी इंस्पेक्शन की हमने 18 मार्च 2014 की बात है, तो ये उसके बाद ये सीधा फॉरन भाग गया है, मिला नहीं, अंडरग्राउंड ही हो गया है। अब इसकी बैंक ने ऑप्शन रखी हुई है तो इसकी ये ऑप्शन नहीं, बैंक ने ऑप्शन हमने रखी है, एक्साइज टैक्स ने रखी है, क्योंकि इस कंपनी को हमने पकड़ा था और हमने इसके सारी जो कंपनी को सील कर दिया था। सील करने के बाद फिर इसको ये लिटिगेशन में चली गई, इसने अपीलेट चैनल, कोई हमारे जो जितने डिपार्टमेंट अपीलेट चैनल वो अपना ट्राइब्यूनल में गया, हाई कोर्ट्स में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, वहाँ हर जगह इसके केस जो है डिसमिस कर दिए गए और ये हमारी फेवर में, डिपार्टमेंट की फेवर में हो गए। अब इसकी ऑक्शन जो वैल्यू है उसके बाद 2016 में फिर मुझे इसमें क्योंकि रिकवरी इसमें होनी, फिर रिकवरी के लिए मुझे लगाया गया नाहन भेजा गया, मैं डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज रहा हूँ। और 3 साल में काफ़ी 2-3 में टास्क फोर्स बनाई इसमें और इसमें काफ़ी हमने करके इंटरस्टेट फिर दूसरी स्टेट से भी इसका काफ़ी डाटा मंगाया और इसकी रिकवरी हमने पूरी कंक्लूड करके रिकवरी हमने दे दी। उसमें अभी हाई कोर्ट की निगरानी में इसकी रिकवरी हो रही है। इसकी और भी कुछ एसेट्स कंपनी, हाँ, हाई कोर्ट जैसे अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन CID के स्टेट CID भी कर रही है, CBI भी कर रही है और ED भी कर रही है इसमें। अच्छा, सभी एजेंसी इसमें वो कर रही है, इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि इतना बड़ा स्कैम ये कैसे हो गया, किन लोगों की संलिप्तता है इसमें। इसमें लगभग 200-300 लोग हैं जो कि ऑफिशियल प्लस दूसरे प्राइवेट जो कंपनी के लोग हैं उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं, कोई बेल पे है, कोई अभी अंडर ट्रायल है, कहीं की इंक्वायरियाँ चली हैं इसमें, तो कहीं पूछताछ हुई है इस मामले में। और इसका कंपनी के काफ़ी सभी अधिकारी जो लगभग इन एजेंसियों ने उनको गिरफ्तार किया, अरेस्ट किया है। सिर्फ इसका MD जो अभी बाहर है वो उसके अगेंस्ट जो है वो
लुकआउट नोटिस हो उनको इंडिया में प्रत्यर्पण का जो प्रोसेस है वो चालू किया हुआ है सीबीआई और सीएसआई। जैसे पोंटा साहब में जो एसेट है ये कंपनी है, इसके अलावा और भी कोई कंपनी की संपत्तियां? पोंटा जो हमने अभी तक जो प्रॉपर्टी इनकी पकड़ी है वो सिर्फ वो प्रॉपर्टी है जो कि कंपनी के ऑन रिकॉर्ड थी, कंपनी के ऑन रिकॉर्ड थी, जैसे कंपनी का प्रमाइसिस है, कंपनी की फैक्ट्री है, या कंपनी के अंदर जो मशीन है, प्लांट एंड मशीनरी है, उस कंपनी के चारों तरफ ही जितनी ज़मीन है, सारी ज़मीन जो भी है वो बेनामी ट्रांजेक्शन में बेनामी खरीद रखी थी इन लोगों ने, जिसका कि सी आई डी ने एफिडेविट बना के हाई कोर्ट में पेश कर रखा है, वो एक गलत केस है, वो उसमें इंक्लूड नहीं है। तो रिकवरी वगैरह उसमें कुछ? उसमें अभी सी आई डी मैंने कर दी है कि आप कहाँ तक पहुँची ये नहीं पता, लेकिन इसका 2019 में इन्होंने एफिडेविट फाइल किया था जब हाईकोर्ट ने बोला कि आप बताइए सी आई डी ने क्या इसमें रिकवरी की है, तो इसका एफिडेविट था इसमें उस वक्त 120 करोड़ समथिंग की उसकी वैल्यू थी उस प्रॉपर्टी की, पूरी लैंडेड प्रॉपर्टी कंपनी के चारों तरफ है। इतनी सारी एजेंसीज इसके पीछे लगी हुई हैं, ये कंपनी का मालिक है कहाँ इसका कुछ? ये अभी लेटेस्ट इनकी पोजीशन जो पिछले साल 2021 में जो पाई गई थी वो थी दुबई में, तो दुबई के साथ इंडिया की मतलब प्रत्यर्पण संधि है उसके तहत इनको भारत में एक्सट्रेडिशन जो किया जा रहा है, तो उनको जैसे ही वो भारत में आ जाते हैं उसके उनसे पूछताछ करेगी, वो तो क्रिमिनल एक्शन है चला हुआ है कंपनी का। आपने 2020 में यहाँ ज्वाइन किया था, उसके बाद काफ़ी बड़े बड़े मामले वो किए जिसमें करोड़ों रुपए की इसमें सरकार को टैक्स भी गया जी। और ये नॉन बॉर्म वाला मामला क्या है जी? नॉन बॉर्म? हाँ जी, हाँ जी, जिसमें हाल ही में करोड़ों रुपए का हुआ था, जुर्माना भी लगा था जी जी। हाँ जी, उसमें ये नॉन बॉर्म जो है ना, नॉन बॉर्म बैग्स होते हैं, कैरी बैग्स, नॉन बॉर्म कैरी बैग्स होते हैं ना, ये वो होते हैं, तो इसके वजह से जीएसटी लग रहा है 1 जुलाई 2017 से, तो इसका जो नोटिफाइड रेट था सीबीआईसी का, जो हमारी एजेंसी है जीएसटी की जो कंपिटेंट अथॉरिटी है, वो 18% था इसके ऊपर। कुछ लोगों को, कुछ व्यापारियों को इसमें शक कन्फ्यूजन हुआ कि नहीं इसमें 5 भी हो सकता है, 5 देना शुरू कर दिया, फिर इन लोगों ने सीबीआईसी से क्लैरिफिकेशन मांगी, सीबीआईसी ने क्लैरिफाई कर दिया 2019 में इनको कि भाई इस पर 18% है, इसमें 5% नहीं है। फिर कुछ विभागों ने, हमारे अधिकारियों ने उनको नोटिस दे दिए कि भाई आपने 5% दिया है, आपको 13% जमा करिए आप, उनको नोटिस इशू हो गए। उसके बाद क्या, एक साल के बाद कुछ लोगों ने इसकी एडवांस रूलिंग दे दी, एडवांस रूलिंग का प्रोविजन होता है जीएसटी एक्ट में, हाँ जी, इसका सीनियर ऑफिसर जो है स्टेट का कोई सीनियर ऑफिसर होता उसका अधिकारी होता है, तो वहाँ से इनको क्लेरिफिकेशन आ गई कि एडवांस रूलिंग आ गई, नहीं तो 5% ही लगेगा, जब 5% लगे तो जिनको नोटिस दिए थे उनको उनमें से एक के ड्रॉप हो गए, उसका रिफंड था 3-4 करोड़ का, उसको रिफंड दे दिया गया। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इन द मीन टाइम जो मेरी यहाँ ट्रांसफर होकर मैं आ गया तो उसमें 4 केस बाकी बचे हुए थे, तो जब मैंने उस केस को उनको आगे देखा फर्दर, तो हमारे इंक्वायरी ऑफिसर होता है, इंस्पेक्टर जो होता है, जनरल इंक्वायरी ऑफिसर होता है, उनसे रिकॉर्ड में मंगवाया, मैं आप इसकी आप रिपोर्ट करें, उन्होंने रिपोर्ट किया, वो बोलते हैं कि सर इसमें 18% ही बनेगा, 18% ही लगेगा, जो उसमें सीबीआईसी की नोटिफिकेशन है और फर्दर क्लैरिफिकेशन भी है कि 18% ही है, तो उनको फिर हमने प्रोसेस शुरू कर दी, उसने एक फर्म बद्दी की थी, हाँ जी, इसका 2021 में है, उसको हमने नोटिस दिया, तो नोटिस में 18% जमा करा दिया उसने, वेरी गुड, और बाकी जो बाकी 4 बचे थे उनको फिर हमने प्रोसेस शुरू की, उनको एक DRC-01A ऐसे करके नोटिस होते हुए दिए उनको, तो ये मार्च 2022 की बात है कि उनके फाइनल ऑर्डर हमने लगभग तैयार थे, उनके 2-3 महीने ऑर्डर उनके कर देने थे हमने, तो उन सबके फिर 4-5 लिखेंगे कि 1 साल का कहेंगे, 2 साल का कहता, उनको लगभग 10 करोड़ के हमने जो ऑर्डर उनको इशू कर दिए। एक पेट्रोल पंपों वाला मामला हुआ था जो पेट्रोल, उसमें काफ़ी मतलब बड़ी पार्टीज इन्वॉल्व थी, उसमें आगे क्या हुआ? पेट्रोल पंप के 3 केस पकड़े थे ना, उसमें 15-20 करोड़ की डिमांड लगाई थी हमने, वो वैट जो इसके ऊपर वैट होता है ना, जैसे ऑयल के ऊपर, पेट्रोलियम डीजल के ऊपर जो वैट होता, वैट नहीं दे रहे थे, या कहीं वैट दे रहे थे तो उसमें जो TR नंबर होता फर्जी डाला था, उसमें हमने मैनिपुलेशन कर रखी थी, इस तरह 3 केस पकड़े हमने, 20 करोड़। काफ़ी पहले से चला हुआ था, पहले इसमें क्यों नहीं कार्रवाई हो पाई? अब किसी के संज्ञान में नहीं आया होगा, उनके संज्ञान में नहीं आया, हमारे संज्ञान में आ गया, हमने उसको पकड़ लिया। बाकी जीएसटी के बारे में अभी भी लोगों को इतना क्लियर नहीं है, इसमें कोई विभाग कुछ जैसे जागरूकता शिविर लगाए लोगों को बताए? नहीं, शिविर तो विभाग ने काफ़ी लगाई है, ट्रेनिंग इसमें काफ़ी दी गई है, पर कुछ एक मतलब ऐसी होती जो थिन लाइन्स होती है ना, जहाँ पर टैक्स इवेजन होती है, जहाँ बड़ी इंटेलिजेंस टाइप की टैक्स इवेजन होती है, उस तरह के केस तो आते रहते हैं, तो उसको कवर करने के लिए जो इन्फोर्समेंट विंग है इसको क्रिएट किया गया है। हमारा काम जो होता है, जो तो डिस्ट्रिक्ट है, सर्कल है, जो रूटीन का काम करते हैं, उनके पास काफ़ी वर्कलोड होता है और कई चीज़ों को ध्यान नहीं दे पाते हैं,
तो उनको पकड़ने के लिए फिर हमारा एनफोर्समेंट टीम होता है। जैसे आपकी जो फील्ड है मतलब काफी खतरे से भरी होती है जहाँ भी आपने जाना, तो उस हिसाब से गवर्नमेंट की तरफ से आपको फैसिलिटीज प्रॉपर मिल रही है डिपार्टमेंट को जो होनी चाहिए? नहीं, ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट में जो ऑफिसर हैं वो कैसे हैं, आपके मतलब कैसे आपके साथ वो रखते हैं। कई ऑफिसर ऐसे भी रहे जो बहुत ज़्यादा टीम को करते थे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, उनको एक एक चीज़ का पता होता था, एक एक जो ऑफिसर उनके साथ पर्सनल कॉन्टैक्ट होता है, उनको फॉलोअप करके बैकअप करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मतलब नहीं, अपने जो अपना सिस्टम होता है वहीं तक लिमिटेड आते हैं, उनका कोई लेन देन नहीं होता किसके साथ कोई कर रहा है, जब कोई कर रहा है तो अपने लेवल पे निपट रहा है, कोई लेन देन नहीं सरकार को। इसमें कई केसों में ऐसा हुआ कि हमारे पे कंटेम्प्ट भी डाल दिया कंपनी, प्राइवेट कंपनी ने जिनके हमने केस किए। हाँ जी, देखो ऐसा कंटेम्प्ट हमें खुद ही फेस करना पड़ा, बाकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलती है। आप डिपार्टमेंट की तरफ से जैसे कोई आगे फर्दर कोई बड़ी उस पर काम कर रही है कि किसी उस पर इसमें किसी भी उसमें जैसे कोई डिपार्टमेंट का नेक्स्ट, जैसे इतना बड़ा जमाना अभी हाल ही में हो ही रहे हैं, चला ही हुआ आपका कंपनी, अभी भी किसी उस पर काम हो रहा है जो भविष्य में कोई बड़ा खुलासा होने वाला हो? अभी तो मेन केस यही है नॉन वोमन का, अभी 10-15 करोड़ का इसको लगा दिया है, कुछ केस शायद उन्ना में भी पकड़े गए हैं इस तरह के, उनकी प्रोसेस चली है। बाकी देखो मेरा इसमें कोई ज़्यादा हज़ार तक छोटे मोटे डीलर होंगे इसमें सारे मिला करके, जिनमें से हाँ जिनमें से कुछ बंद हो चुके हैं, कुछ एक जो है वो मिक्स काम करते हैं, जो कैरी बैग तो सारे बेचते हैं ये लोग। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना, ठीक है सर, उस तरह के लोग हैं इसमें। थैंक यू वेरी मच अपना समय देने के लिए। टेक्नोमेट की हो रही है अभी, इंडियन टेक्नोमेट की जो बोली हो रही है जी, इसकी जरा ब्रीफ डिटेल दे देते हैं इसमें है क्या क्या। इंडियन टेक्नोमेट जो कंपनी है इसमें टोटल जो जमीन है 265 बीघा जमीन है, 265 बीघा जमीन में इसमें तीन सेक्टर है, एक है 199 बीघे का, दूसरा है 46 बीघे का, तीसरा है 30 बीघे का। 199 बीघे में फैक्ट्री लगी हुई है, 46 बीघा और 30 बीघा जो है वो आस पास ही एक दो किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर कोई जमीन वो डेवलप जमीन है, इंडस्ट्रियल जमीन है पूरी डेवलप करके रखी है। तो ये तीन सेगमेंट है बड़े बड़े जिसकी टोटल कीमत 90,25,02,000 है, टोटल मतलब 265.14.16 बीघा 2280 जमीन बनती है ये। तो ये 90,25,02,000 की है इसकी रिजर्व प्राइस रखी है हमने। इसके अलावा जो फैक्ट्री के अंदर जो फैक्ट्री बिल्डिंग है उसकी जो कीमत है वो है 27,14,56,000 है, जो शेड बने हुए हैं। तो शेड के अंदर जो प्लांट एंड मशीनरी है उसकी कीमत है 47,72,19,325 रुपये। तो टोटल इसको अगर मिला लिया जाए तो ये 165,11,77,235 की इसकी वैल्यूएशन जो रिजर्व प्राइस रखी गई है। इसका जो अर्नेस्ट मनी होगा 10% हुआ है 16,59,17,724 रुपये। तो इसमें जो भी इंटरेस्टेड बिल्डर होगा वो जमीन या प्रॉपर्टी अगले जो एसेट्स हैं इमूवेबल या मशीनरी है या व्हीकल्स हैं उसमें किसी में भी अपना बिड दे सकता है और उसको ले सकता है। 18 जनवरी 2023 को इसकी ऑक्शन रखी गई है, ऑक्शन ऑफ फैक्ट्री प्रमाइसेज वहीं पर करेंगे। और इसमें जो ऑक्शन प्लस जो बिड के थ्रू होगी, तो अपना टेंडर दे सकते हैं, टेंडर के बाद वो अपने बोली भी दे सकते हैं, और टेंडर और बोली में जो हाइस्ट होगा उसी के नाम इसकी जो प्रॉपर्टी उसके नाम उसको दे दी जाएगी है। और ये सारी प्रक्रिया जो ऑनरेबल हाई कोर्ट की मार्गदर्शन में हो रही है, जो कंपिटेंट अथॉरिटी ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट है, इसमें जो सेल प्रोसीड आएगा इसका जो बेचने के बाद जितना भी आएगा वो सारा पैसा जो हाई कोर्ट की जो रजिस्ट्री है वहाँ पर इसको जमा कराया जाएगा। और जो जितने स्टेक होल्डर हैं जहाँ जिन्हें अपने क्लेम फाइल कर रखे हैं कि हमारा इतना लेना उतना, उसको प्रोरेटा भी इसके ऊपर जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट एक फार्मूला अपना बनाएगा जो कंपनी लॉ में होता है, उस हिसाब से लोगों के अपने क्लेम जो मिलेंगे। उसमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर जो है वो एक्साइज एंड टैक्स डिपार्टमेंट है इसमें। और उसके बाद जो अगली दूसरी बेनामी प्रॉपर्टीज हैं जो बाकी और प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाइड हैं उसके लिए प्रोसेस शुरू की जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू।